हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल को। मतलब हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टेस्ट लीग शुरू होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हाल ही में नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हाल ही में स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। मतलब हाल ही में स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओजे सिंपसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में। मतलब हाल ही में ब्रिटेन ने भारत देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जान डर्क्स गिर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गगनदीप कांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस देश। मतलब हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगजीत पवाड़िया को। मतलब हाल ही में जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार यादव। मतलब हाल ही में T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान में। मतलब हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान देश में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हरोनी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। मतलब हाल ही में जारी हरोनी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, JNU। मतलब हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में JNU भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल को। मतलब हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेनेजुएला। मतलब हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में बेनेजुएला देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काईबाक ब्रिज बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य की। मतलब हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जे अनिरुद्ध बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरुण मणि का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद मोहंती को। मतलब हाल ही में सच्चिदानंद मोहंती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है?
तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस देश ने, मतलब हाल ही में रूस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित सिंह ने, मतलब हाल ही में सुमित सिंह ने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपी थोटाकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में, मतलब हाल ही में अडानी ग्रीन ने गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, हाल ही में किसने द ला एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बांड पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों ने, मतलब रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत देश ने, मतलब हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ममता जी सागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहले भारतीय बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिट्रोएन, मतलब हाल ही में भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी सिट्रोएन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल को, मतलब हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, मतलब हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जापान देश के साथ, मतलब हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुराग कुमार को, मतलब हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैक खिलारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोन पे ने, मतलब हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूज वीक, मतलब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकेश मुनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवंतिका बंदनापू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉरीशस ने, मतलब हाल ही में भारत और मॉरीशस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रश्मि कुमारी ने, मतलब हाल ही में रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश को, मतलब हाल ही में भारत देश ने नेपाल देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बदिता कौल को, मतलब हाल ही में बदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6.1%। मतलब हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल को। मतलब हाल ही में विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूके। मतलब हाल ही में यूके देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बायजस। मतलब हाल ही में बायजस कंपनी के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संजय शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेफानोस सिटसिपास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने MP-80GM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में। मतलब हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने MP-80GM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण राजस्थान राज्य में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बोथी अनजुआन को किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी ने। मतलब हाल ही में सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। मतलब हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत देश। मतलब हाल ही में भारत देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विप्रो ने किसे अमेरिका की एक यूनिट का सीईओ घोषित किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलय जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर देश की। मतलब हाल ही में सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, AB बिगड़सरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए UGCA के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को, मतलब श्रीधर बम्बू और आशीष कुमार चौहान दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश के। मतलब हाल ही में नेपाल देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संजना सांघी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य। मतलब हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भरत पे ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नलिन नेगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैरी बाल्डियो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। मतलब हाल ही में महिंद्रा ने महाराष्ट्र राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉरेंस बेंको किस
किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे WEF की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अद्वैत नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सनराइजर्स हैदराबाद ने। मतलब हाल ही में IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे चेन्नई बेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किसे IMF के MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीना जार्जा एवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला। मतलब हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IIT मंडी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। मतलब हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व हेमोफोलिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका देश को। मतलब हाल ही में भारत ने श्रीलंका देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, मतलब पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रेट दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क टू मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत देश ने। मतलब हाल ही में भारत देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क टू मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में KG जैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। मतलब हाल ही में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुवैत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक का लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैनी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में RBI ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, BOB। मतलब हाल ही में RBI ने BOB बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। मतलब हाल ही में अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा विजिट विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भीमेश्वर चल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 पदक। मतलब हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 9 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। मतलब हाल ही में स्वदेशी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रीन फील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, BPCL के साथ। मतलब हाल ही में ग्रीन फील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए BPCL के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की में। मतलब हाल ही में DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन इडुक्की में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भारत। मतलब हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 77 वर्षों में। मतलब हाल ही में UNFPA ने 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेरे के अंडरवुड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य में। मतलब हाल ही में DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा राज्य में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने विश्व का पहला मनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया देश ने। मतलब हाल ही में नाइजीरिया ने विश्व का पहला मनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट को। मतलब हाल ही में आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी के। मतलब हाल ही में वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुब्बुरी सुब्बा राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। मतलब हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 3 दिवसीय सेतु मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य में। मतलब हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असंता लाखड़ा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपिका सोरेंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक के वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। मतलब हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में 3 भारतीय बैंक शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। मतलब हाल ही में IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रमन सुब्बा रो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहा हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान में। मतलब हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने उज्बेकिस्तान में हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस को। मतलब हाल ही में भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिनेश त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किसे स्काई ट्रैक से वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमाद इंटरनेशनल को। मतलब हाल ही में हमाद इंटरनेशनल को स्काई ट्रैक से वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। मतलब हाल ही में AFMS और IIT कानपुर ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्सव पटनायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में इंटेल ने इसे भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संतोष विश्वनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। मतलब हाल ही में इसरो ने वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल को। मतलब हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, UAE। मतलब हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE देश का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रणदीप हुड्डा को। मतलब हाल ही में रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक के। मतलब हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। मतलब हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन देश में। मतलब हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन देश में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेज रेपे ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में UPI स्विच लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक। मतलब हाल ही में रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में UPI स्विच लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में प्रिबोबो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसेन बोल्ट को। मतलब हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पोन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जापान देश की। मतलब हाल ही में एयर इंडिया ने जापान देश की ऑल निप्पोन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल ने। मतलब हाल ही में अजीत डोभाल ने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में RBI के किसी डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर का। मतलब हाल ही में RBI के टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरसिम यादव। मतलब हाल ही में नरसिम यादव
WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी युगांडा। मतलब हाल ही में युगांडा देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बुर्किना फासो ने। मतलब हाल ही में बुर्किना फासो देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सना मीर को। मतलब हाल ही में सना मीर को ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक का। मतलब हाल ही में अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SOCHM द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जिसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरामको। मतलब हाल ही में अरामको कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक पर। मतलब हाल ही में RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेंगे? जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। मतलब हाल ही में श्रीलंका देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ खोंग जोम दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, मतलब गुजरात और कर्नाटक राज्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश राज्य में। मतलब हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हुआ है, वे किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यक्षगान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हमसकल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कटो मोमोटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। मतलब हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रुपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किसे NSG प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नलिन प्रभात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चीन देश। मतलब हाल ही में अमेरिका ने चीन देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश में। मतलब हाल ही में नरपत सिंह को बांग्लादेश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य FY 23
24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य। मतलब हाल ही में तमिलनाडु राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अजित कुमार के को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एयरटेल पेमेंट बैंक ने। मतलब हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहां अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय खोला है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता किया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूस देश ने। मतलब हाल ही में भारत और रूस देश ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी केकी मित्री को। मतलब हाल ही में केकी मित्री को HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से मंजूरी हासिल की है, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्रेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहां 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना राज्य में। मतलब हाल ही में तेलंगाना राज्य में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल को। मतलब हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में कौन वन हेल्थ पहल के तहत SOP पेश करेगा, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है, जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फिलिस्तीन के। मतलब हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के फिलिस्तीन देश के अनुरोध को रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजीव गौबा को। मतलब हाल ही में राजीव गौबा को LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने GPS सर्फिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इजराइल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, भी कौन थे, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एक पायलट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा, तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर देश। मतलब हाल ही में सिंगापुर देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जेसन विलकॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किसने UPI पर क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमेजन पे ने। मतलब हाल ही में अमेजन पे ने UPI पर क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IPEF कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन करेगा, तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां कौन सा देश बना है, तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी स्वीडन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पापुलूरी सुब्बा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तक्षवी वाघानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल को। मतलब हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है, तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी भारत देश की। मतलब हाल ही में भारत देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पावुलरी सुब्बाराव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में। मतलब हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मेडेन ने संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेरस्टैपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइमा खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सीबीओ नियुक्त किया गया है। जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए निधि एस जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित हुए हैं। जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए युजवेंद्र चहल। मतलब हाल ही में 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है। जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूएसए। मतलब हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्चे वाला देश यूएसए देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हेने वाली आईलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूल पूरम 2024 से मनाया गया है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों में अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 66। मतलब हाल ही में जारी सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2024 एसीसी पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेपिटिस फिलारा खोजी गई है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बना है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। मतलब हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक नई दिल्ली में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्पेन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राज्य। मतलब हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिशन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में न्यूज वीक ने किसे भारत का सबसे निजी अस्पताल घोषित किया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेदांता गुरुग्राम को। मतलब हाल ही में न्यूज वीक ने मेदांता गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ ए ट्रेवलिंग मोंक ए में मायर नबी नामक पुस्तक लिखी है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंद्रधनुष स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी डीआरडीओ द्वारा। मतलब हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौरभ घोषाल ने।
हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल को, मतलब 3 अप्रैल को हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका देश ने, मतलब हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी समुद्री सुरक्षा से, मतलब हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी राजीव सिंघल को, मतलब हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी संजय नायर ने, मतलब हाल ही में संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में अब्देल फतेह अल सिसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए मिस्र देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जापान देश ने, मतलब हाल ही में जापान देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने FY25 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6.6%, मतलब हाल ही में विश्व बैंक ने FY25 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर कार्तिक कोमूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्जुन एरीगैसी, मतलब हाल ही में अर्जुन गैरेसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुआयाना देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की नेवी के प्रमुख BADM मार्क हेमंड ने भारत का दौरा किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में वारवरा का निधन हुआ है वह कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी असम राज्य के, मतलब हाल ही में रवि कोटा ने असम राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको इनमें से कितने प्रश्नों के जवाब पहले से पता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी पारादीप बंदरगाह, मतलब हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 4 अप्रैल को, मतलब हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए PTI के साथ, मतलब हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए PTI के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी IIT मुंबई में, मतलब हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी IIT मुंबई में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य सरकार ने, मतलब हाल ही में केरल राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी रोमानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन देश के लिए, मतलब हाल ही में नाटो प्रमुख ने यूक्रेन देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का योजना बना रहा है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत देश।
मतलब हाल ही में भारत देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नि प्राइम का। मतलब हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 56% की। मतलब हाल ही में भारत के यूपीआई लेन देन में 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना को। मतलब हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे देश के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला के। मतलब हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वे वेनेजुएला के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विशेश्वर राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाता लॉन्च किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केनरा बैंक ने। मतलब हाल ही में केनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। मतलब हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 5 अप्रैल को। मतलब हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजीत डोभाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य में। मतलब हाल ही में डीआरडीओ ने पश्चिम बंगाल राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहां मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्किस मीर। मतलब हाल ही में बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव सिंघल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आकाश तीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1,00,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2047 तक। मतलब हाल ही में भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1,00,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इजराइल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मसदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SJVN लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में नाटो ने कब अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल को। मतलब हाल ही में नाटो ने 4 अप्रैल को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ए सोमेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। मतलब हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने AI परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन देश ने। मतलब हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन देश ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कपिल भाटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मीनी से शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जे नजमी वजीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IWADA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शाश्वत गोयनका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2025 तक। मतलब हाल ही में भारत सरकार ने 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर देश ने। मतलब हाल ही में सिंगापुर देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्चुअल ATM के लिए J&K बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पोमार्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोवा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अडानी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा बायस क्लोनिंग टूल बायस इंजन का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए OpenAI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्तीय समूह पेंटोमैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। मतलब हाल ही में वित्तीय समूह पेंटोमैथ की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमालय में ग्लोव के खतरों का आंकलन किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर निकेश जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे SPG में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में चर्चा में रही सन्निधि बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मालदीव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य की। मतलब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस
किस आईआईटी में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लेसेंट अध्ययन ने अब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2040 तक। मतलब हाल ही में लेसेंट अध्ययन ने 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। मतलब हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में। मतलब हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु राज्य में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जान टिनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैम पित्रोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पल्लिया को। मतलब हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में। हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूलिया नवलनया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने F1 जापानी ग्रांड प्री 2024 जीती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टप्पन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में वने सितार तानपुरा का जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्त्री सेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 अप्रैल को। मतलब हाल ही में CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची शहर में। मतलब हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन रांची शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल देश की। मतलब हाल ही में नेपाल देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश में पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अश्विन केशवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयराम सन्मुगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार कहां LIB एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडा को। मतलब हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन देश ने। मतलब हाल ही में चीन देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ईसीआई ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुविधा पोर्टल। मतलब हाल ही में ईसीआई ने नया ऐप सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समृद्ध मुद्रा पेश की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसैनिक हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। मतलब हाल ही में भारतीय नौसैनिक हाफ मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ नववर्ष उगादि उत्सव मनाया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीटर हिग्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, IIT मुंबई के साथ। मतलब हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्राव मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को, मतलब माया बाउचर और कामिन मेंडिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CCL ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन देश। मतलब हाल ही में चीन देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक सीगट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3 मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकफ डॉटर ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में FSSAI ने कहाँ जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। मतलब हाल ही में नई दिल्ली में साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूसुफ रजा गिलानी किस देश की सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इजराइल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तरुण बजाज को। मतलब हाल ही में तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रस कुक। मतलब हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति रस कुक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, IIT जोधपुर ने। मतलब हाल ही में IIT जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SJBM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुशील शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
आईपीईएफ ने कहां स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक। मतलब हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक एचडीएफसी बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैक अलवास्टर का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लगभग 7%। मतलब हाल ही में एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण करेगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बेलेरो टेक्सास ओपन जीता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्षय भाटिया ने। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? इसके चार ऑप्शन है, ए वाराणसी में, बी सूरत में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा, मतलब इनमें से कितने जवाब आपको पहले से पता थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।